आई विलट से एकवल टू वन मंथ एवरी मंथ हम इसका चेक uh, करेंगे इन्वेंट्री रिव्यू करेंगे और जितना भी मैक्सिमम इन्वेंट्री जो कि थर्टी थाउजेंड फोर नाइन्टी फाइव थी उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसका हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस बेसिस पर हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या आता है और इस एवरेज इन्वेंट्री लेवल के बेस के ऊपर फिर हमारी टोटल कॉस्ट क्या आती है इस सिस्टम uh, की सो so, वी कैन फाइंड द एवरेज इन्वेंट्री लेवल इन दिस केस इज क्यू डिड बाई टू यह रिओंट में था इधर क्योंकि रिओडर पॉइंट नहीं है तो हम इसको डी मल्टीप्लाई बाय रिव्यू पीरियड यह हमारे पास साइकिल इन्वेंट्री है इसको डिवाइड हम टू से करते हैं तो वो एवरेज इन्वेंट्री आती है मैंने बताया था कि एवरेज इन्वेंट्री इज बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई टू तो एंडिंग इन्वेंट्री इन दिस केस विल बी जीरो तो हमारी जो बिगनिंग इन्वेंट्री है डिवाइड बाई टू विल बी आर एवरेज इन्वेंट्री प्लस अब इसके अंदर हमारा सेफ्टी स्टॉक जो है वो इंक्लूड in हो जाएगा जो सेफ्टी स्टॉक को जब हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि सेफ्टी स्टॉक पहले जैसे मैंने बताया हुआ है थ्रू आउट द ईयर आइडल सिचुएशन में थ्रू आउट द ईयर हमारे पास होना चाहिए तो इसका पूरा के पूरी होल्डिंग कॉस्ट हमें पड़े पड़ेगी तो हम वो इनकर करेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट कम्स टू एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी यूनिट्स, जो कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ रही है uh, इसके बेसिस के ऊपर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें टोटल रेलिवेंट कॉस्ट की जो इक्वेशन है दिस इज दैट इक्वेशन इसके अंदर ये जो है दिस इज योर एनअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिस इज योर एवरेज होल्डिंग कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट विदआउट सेफ्टी स्टॉक ये हमारा होता था इसके अंदर हमने जो यूज किया था दैट वॉज क्यू डिवाइड बाय टू लेकिन इधर क्योंकि पीरियॉडिक रिव्यू है तो इसमें क्यू के नहीं है हम रिव्यू पीरियड होता है तो रिव्यू पीरियड मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाई टू और फिर उसको हमने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया यह जो है ये हमारा सेफ्टी स्टॉक है मल्टीप्लाई बाय और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ये हमारा ये भी इसमें ऐड हो गया एंड द फोर्थ फिगर इन दिस केस इज द स्टॉक आउट कॉस्ट तो उसको हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया तो वही फिगर जो है अगर हम देखें तो दिस इज द वैल्यूज अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यूज आ रही हैं ये जो वैल्यू है पॉइंट वन फाइव दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस फंक्शन एट जी इज इक्ल टू पॉइंट सिक्स सेवन तो उस बेसिस के ऊपर ये इधर हमने इसको डाला है बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं कुछ और कुछ डेटा से ली हुई हैं तो ये सारी की सारी हमने इसके अंदर सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट की फिगर आ रही है वो 403.06 हंड्रेड डॉलर की आ रही है दिस इज द एनुअल टोटल कॉस्ट फॉर दिस पॉलिसी इस बेसिस के ऊपर हमारी जो सर्विस लेवल है अगर उसको हम डिटरमिन करें कि जी सर्विस लेवल क्या होगी इस पॉलिसी की फिल रेट के बेसिस के ऊपर सर्विस लेवल अगर देखें तो वैसे तो 75 परसेंट थी इन स्टॉक लेकिन फिल रेट के बेसिस के ऊपर अगर हम ये यूज़ करें फॉर्मूला तो ये आ रही है पॉइंट नाइन डबल थ्री डैट इज सब्सटैशली हायर देन योर इन स्टॉक प्रॉबिलिटी तो पीरियोडिक रिव्यू के अंदर क्योंकि इधर हम पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो इधर फिल रेट हमारा पॉइंट नाइन डबल थ्री आ रहा है इंस्टेड ऑफ पॉइंट सेवन फाइव जो कि हमारा इन स्टॉक प्रॉबिलिटी था